ये कोई JAS एम्बुलेंस सर्विस है जिनका फोन नंबर भी लिखा हुआ है। इनकी हिम्मत देखिए जरा। अब बहन जी कितने पैसे मांग रहे हैं? 25,000 मांग रहा है। 25,000 हमारे पास नहीं है। 25,000 हम क्यों दे? हम बर्बाद हो गए पूरी तरह से। हमारे घर लूट गए, हम छिन गए, सब कुछ छिन गया। 25,000 रुपए मांग रहे हैं। कह रहे जब तक 25,000 नहीं देंगे, हमारे मालिक ने मना कराना नहीं है तुम्हें वहां से। वो कह रहा है 25,000 रुपए तो मेरे मालिक ने कहा इससे कम नहीं लाने। आज एक एम्बुलेंस वाला 10 किलोमीटर के 25,000 रुपए इन परिवार से मांग रहा है डेड बॉडी के। देखिए आज बाजार में ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, प्लाज्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कालाबाजारी हो रही है। बहुत बड़ा स्कैंडल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो किया जा रहा है, जिसके ऊपर प्रशासन ने कोई लगाम नहीं लगाई। ये पहले भी हुआ था और अब और ज़्यादा हो रहा है। वो है ये प्राइवेट एम्बुलेंस का स्कैम। मेरे पास एक सज्जन खड़े हैं, पूरा परिवार है, बहन जी हैं, ये परिवार है सारा। आनंद विहार ISBT के पास से पेशेंट लेके जाते हैं, शायद ठीक हो जाए राजीव गांधी में। और राजीव गांधी से आ जाते हैं डेथ डिक्लेयर होने पर सीमापुरी शमशान घाट में। यानी आनंद विहार से राजीव गांधी 4.5 किलोमीटर, राजीव गांधी से सीमापुरी मात्र 2 किलोमीटर, 6.5 लगा लो, 10 लगा लो जी चलो। अब सुनिए कि इस 10 किलोमीटर का उस महारथी एम्बुलेंस में, जिसका एम्बुलेंस का नंबर है UP 16 80 0496, ये देखिए, ये कोई JAS एम्बुलेंस सर्विस है जिनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। इनकी हिम्मत देखिए जरा। अब बहन जी कितने पैसे मांग रहे हैं? 25,000 मांग रहा है। 25,000 हमारे पास नहीं है। 25,000 हम क्यों देंगे? हम ना देते इसको 1 रुपया, जो चाहे जो 500 रुपए भी नहीं देंगे। हम बर्बाद हो गए पूरी तरह से। हमारे घर लूट गए, हम छिन गए, सब कुछ छिन गया। ऑक्सीजन भी नहीं है। पैसे मांग रहे हम कहाँ से आए? गरीब आदमी पैसे कहाँ से दे? ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन का चक्कर में गया भाई। क्यों मांग रहा 25,000 रुपए भाई लाने के? हाँ जी भाई साहब क्या कर रहे हैं? 25,000 रुपए मांग रहे हैं। कह रहे जब तक 25,000 नहीं देंगे, हमारे मालिक ने मना कराना नहीं है तुम्हें वहां से। देखिए आप कि आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोग काला बाजारी पर उतर आए हैं इस कोविड के समय में। कोई ऑक्सीजन महंगी बेच रहा है, कोई PPE किट महंगी बेच रहा है, कोई वेंटिलेटर महंगे बेच रहा है, कोई प्लाज्मा की ब्लैकमेल कर रहा है, इंजेक्शन ब्लैक में बिक रहे हैं दवाइयाँ। और आज एक एम्बुलेंस वाला 10 किलोमीटर के 25,000 रुपये इन परिवार से मांग रहा है डेड बॉडी के। और ये देखिए गाड़ी का नंबर है UP 16 80 0496, JAS एम्बुलेंस सर्विस। एक तरफ जहां 1400 से ज़्यादा डेड बॉडी शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर्स और ड्राइवर्स ने निशुल्क सेवा करी इस कोविड काल के अंदर, दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर ये लापरवाही देखिए। क्या क्या हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए? क्या प्रशासन को इस बात को देखना नहीं चाहिए कि अगर आप इंतजाम नहीं कर सकते तो कम से कम ये वो माफिया लोग, ये वो उस तरीके के ब्लैकमेलर जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, क्या इनके ऊपर लगाम नहीं लगनी चाहिए? आज कोविड के काल में पूरे देश के अंदर इतना बड़ा भयानक समय आया जी, राष्ट्र के लिए बहुत ही भयानक समय है जी। और उस काल में भाईचारे की लोगों ने मिसाल कायम की है। और इस तरीके के लोग भी हैं जो डेड बॉडी के 10 किलोमीटर के 25,000 रुपये मांगते हैं। इसके ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल वाले हों, चाहे वो लैब वाले हों, चाहे वो ऐसे एम्बुलेंस वाले हों, चाहे वो दवाइयों की ब्लैकमेल करने वाले हों, चाहे इंजेक्शन की ब्लैकमेल, उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए। भारत माता की जय।